हेलो दोस्तों, आईटीआई टेक्नोलॉजी लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिशियंस के टूल की पहचान, उनके नाम, उनकी साइज एवं उपयोग बताऊंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 17 टूल्स के बारे में बताया है, बाकी बचे टूल्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए जिससे आपको सभी टूल्स के बारे में जानकारी मिल सके। और अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। की होल्सा, इसका उपयोग विद्युतकार तथा सनमाइका टॉप वाले वायरिंग बोर्डों में ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति देने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, विद्युतकार के लिए 3 से 4 mm चौड़े और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली की होल्सा प्रयोग की जाती है। अगला है हेक्सा, जिसे हम अपनी भाषा में आरी कहते हैं। इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादरों, पाइपों, तारों तथा नट बोल्टों आदि को काटने के लिए किया जाता है। इसके ब्लेड की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। अगला है दोस्तों हैंड ड्रिल मशीन व बीट। यह हाथ से चलाई जाने वाली एक छोटी ड्रिल मशीन होती है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका, एल्यूमिनियम तथा नरम लोहे की चादरों में छेद करने के लिए किया जाता है। और इसमें प्रयोग किए जाने वाले ड्रिल बीट का व्यास 4 से 6 mm होता है। अगला है दोस्तों निप्पर, इसे साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटर भी कहते हैं। इसका उपयोग एल्यूमिनियम एवं तांबे के पतले तारों को काटने के लिए किया जाता है। अगला है वायर स्ट्राइपर, इसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग में विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। अगला है स्निप, इसे पतली धात्विक सीटों को काटने वाली कैंची कहते हैं। विद्युतकार के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट स्निप प्रयोग की जाती है। अगला है ट्राई स्क्वायर, जिसे हम अपनी भाषा में गुनिया कहते हैं। इसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। विद्युतकार के लिए दोस्तों 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला ट्राई स्क्वायर प्रयोग किया जाता है। अगला है पुली पुलर, इसका उपयोग मोटर, जनरेटर आदि में शाफ्ट पर कसी पुली उतारने के लिए किया जाता है। अगला है बीयरिंग पुलर, इसका उपयोग मोटर या पंप के बीयरिंग निकालने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों स्टील स्केल, इसका उपयोग तारों, औजारों तथा जाप्स की लंबाई नापने के लिए किया जाता है। विद्युतकार के लिए दोस्तों 30 सेंटीमीटर लंबा स्टील स्केल प्रयोग किया जाता है। अगला है स्पिनर सेट, ये कई प्रकार के होते हैं जैसे सिंगल एंडेड, डबल एंडेड तथा रिंग बॉक्स। परंतु दोस्तों विद्युतकार के लिए 3 mm से 25 mm जा वाले डबल एंडेड स्पिनर प्रयोग किए जाते हैं। अगला है पाइप कटर, इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप को काटने के लिए किया जाता है। अगला है पाइप रिंच, इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप साकेट आदि को कसने व खोलने के लिए किया जाता है। विद्युतकार के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा तथा 4 सेंटीमीटर जा वाला पाइप रिंच प्रयोग किया जाता है। अगला है प्लम बॉब, जिसे हम अपनी भाषा में साहुल कहते हैं। अगला है जिमलेट, इसका उपयोग लकड़ी की बड़ी वस्तुएं जैसे दरवाजे की चौखट आदि में 3 mm से अधिक व्यास का गहरा छेद करने के लिए किया जाता है। विद्युतकार के लिए 3, 6, 10 mm व्यास वाला जिमलेट प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, इसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग, लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए किया जाता है। विद्युतकार के लिए छोटे आकार की 8 mm बिट क्षमता वाली ड्रिल मशीन प्रयोग की जाती है। अगला है दोस्तों रेचेट ब्रेस मशीन, इसका उपयोग लकड़ी के कोने में छेद करने तथा पेचों को कसने खोलने के लिए किया जाता है। यह मशीन 6 mm क्षमता की होती है। अगला है हैंडसा एवं वुडसा। अगला है सीजर, इसका उपयोग अंपायर क्लाथ, कपड़ा, धागा आदि को काटने के लिए किया जाता है, जिसे हम कैंची कहते हैं। विद्युतकार के लिए दोस्तों 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी सीजर प्रयोग की जाती है। अगला है क्रिपिंग टूल, इसका उपयोग एल्यूमिनियम केबल के सिरों पर संयोजक लक्स या टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है। विद्युतकार के लिए इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। अगला है दोस्तों वायर स्ट्राइपर, वैद्युतिक वायरिंग में विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। अगला है बेंच वाइस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको टूल्स के बारे में बताया है। मुझे लगता है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं आपको विद्युतिक प्रतीक, इलेक्ट्रिशियन सिंबल्स एवं उनके नाम बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।